अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानगंज के गंगटी गांव में बाढ़ पीड़ितों ने सरकार के द्वारा राशन देने पर राशन बंटवारे को लेकर जमकर मारपीट कर ली है। जी हां, भागलपुर के सुल्तानगंज के गंगटी गांव में बाढ़ राहत सामग्री को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वहीं इस मामले में एक बाढ़ पीड़ित ने बताया कि उनका घर अब्जुगंज पंचायत की वार्ड संख्या 12 में है। हमारे वार्ड के सभी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार के द्वारा पंचायत भवन में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जहां खाने के लिए वार्ड 12 के ग्रामीण गए तो लाठी डंडे से प्रहार कर मारपीट करने लगे, जिससे गाँव की खुशबू देवी, अंजू देवी, माखो देवी, नीता देवी, सरिता देवी, बीसो मंडल सहित कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद एक घंटे तक सड़क जाम किया गया। वहीं गंगटी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि शाहबाद वार्ड 12 के ग्रामीण राशन बंटवारा करने के लिए मांग कर रहे थे, नहीं देने पर मारपीट कर लिए। सरकार के द्वारा दिया गया अनाज भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोग यहाँ और वहाँ का जनता सब एक ही है, ठीक है, लेकिन केंद्र जो है शाहबाद गंगटी सामुदायिक भवन में बना है, तो यहाँ पे बंद है खाना। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी ये बाढ़ पीड़ित में से फंसे हुए हैं सभी आके मिलजुल के खाइए, यही खाइए, यही खाइए। तो और सीओ का भी ऑर्डर है, जो भी वहाँ के सरकार, तो मार क्यों भाई, ये मार उन लोगों का कहना है कि हम लोग कच्चा सामान बांट के दीजिए, हम अपने से बनाएंगे वहाँ। ओ, यही बात के लिए जी आप लोग देंगे तैयार? नहीं, हम लोग क्यों देंगे, हम लोग का ऑर्डर नहीं ना है, हम कच्चा सामान वितरण करने। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम पिंटू कुमार, ग्रामीण। काहे मारा आपको? गंगटी गलिया ना, हमको खाने दीजिए, बोल रहा है कि हम नहीं खाने दीजिए, गलिया हमको, हम करी के खाएगा, नहीं का सब चीज उल्टा दिया उसने, मार मारे के भगा दिया सबको, के लोग मारे भगा दिया। खाने के लिए गए थे ना? खाने के लिए गए थे, खाने के लिए गए। लोगों को मारा है? 10-15 आदमी। भोजन बन रहा था तो शाहबाद के कुछ ग्रामीण आए, जिसमें महिला पुरुष दोनों थे। उनका कहना था कि मेरे बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी है बीच में, इसलिए उनका जो चावल है, जो भी सामान है, उनको दे दीजिए, हम लोग वहाँ शाहबाद में ही बनाएंगे। आप क्या कहे थे? क्या कहे? हाँ, मैंने कहा कि इसके लिए आपको सीओ साहब से परमिशन लेना होगा, अगर सीओ साहब आदेश हमें देंगे तो मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। क्या यूनिट का उठा हुआ? हाँ, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जो है दोनों पक्ष के बीच विवाद होने लगा। किनके किनके बीच? जो गंगटी का आदमी है और जो शाहबाद का आदमी है। यही बात कर रहे हैं? हाँ, इसी बात को। उनका कहना था खाना बनेगा तो वहाँ भी बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो यहाँ भी नहीं बनेगा। तो आपके कहने पे वो लोग नहीं माना? नहीं, मारपीट कर लिया। हाँ, आपस में वो लोग विवाद करने लगे, विवाद से उसके बाद हाथापाई के लोग आ गए, सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम संत कुमार। क्या है आप? प्रभारी। हाँ, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय का प्रभारी। तो हम बोले यही, देखिए सर का आदेश है कि यहाँ उनका अनाज यहाँ उठा था, उन लोग का सबका मिले जुले भाई, हम संख्या थोड़ी दर्शा दिए, संख्या तो दिए है। खाने के लिए रोका गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं रोका गया। वो लोग क्या कर रहा था? वो कहता हमको बांट के दीजिए, बांटने में आया है, इसमें मार करने लगा। वो आया समर के आया था पूरे युवा और लेडीज। कितने लोग था? अब देखिए कितना छिड़िया आ गया उसके। कितने लोग था वो लोग? कम से कम 50-60 की संख्या में थे सब लोग मार करने। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम हराम बिलास दास। वार्ड जो है ना, मेरी पत्नी है गीता देवी, लेकिन वो प्रतिनिधि।